हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंपाइलर और इंटरप्रेटर को डिटेल में, और आज की जो वीडियो है सेकंड यूनिट की, उसमें हमने देखना है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होती है और IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है, और नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ सी लैंग्वेज है उसको देखना कि इसमें हमने कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करना है, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको देखेंगे। टेक्स्ट एडिटर क्या है, कंपाइलर क्या है, लिंकर क्या है, लोडर क्या है, एंड व्हाट इज़ डिबगर आल्सो। तो सबसे पहला जो है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होती है। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के जो भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है उसको, उसके लिए हमें कोई ना कोई टूल चाहिए जिसके ऊपर हम वो प्रोग्रामिंग जो है उसका सिंटैक्स वगैरह उसको फॉलो कर सकते। तो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इज़ द सेट ऑफ प्रोसेस एंड प्रोग्रामिंग टूल्स यूज टू डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर हमने सीखने या कोई प्रोग्राम डेवलप करना है तो उसके लिए हमें कोई एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर हम वो प्रोग्राम डेवलप कर सकें या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकें। तो पास्ट में कहता था स्टैंड अलोन, इन द पास्ट प्रोग्रामर्स यूज वेरियस स्टैंड अलोन। अब स्टैंड अलोन का क्या मीनिंग है? स्टैंड अलोन का मीनिंग यह है कि हर एक के लिए, हर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए अलहदा से एक प्रोग्राम था, ठीक है। अगर कंपाइल कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है उसके लिए अलहदा से प्रोग्राम, अगर उसे कंपाइल करना है उसके लिए अलहदा से प्रोग्राम, उसे एग्जीक्यूट करना है उसके लिए अलहदा से प्रोग्राम। स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग टूल्स फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। दीज इंक्लूड एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, डिबगर, हर एक अलग-अलग प्रोग्राम्स होते थे। लेकिन अभी क्या है, क्या यूजिंग सेपरेट प्रोग्राम प्रोवाइडेड अ डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग एनवायरनमेंट फॉर क्रिएटिंग। ये कहता था टाइम कंज्यूमिंग होता था कि अच्छा जी एक प्रोग्राम लिख लिया, चलो जी दूसरी सॉफ्टवेयर ओपन करो, नो अच्छा एग्जीक्यूट कर लिया और कोई ओपन करें। तो आजकल क्या कि IDE का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या था कि एक ही जगह पे सारी जो प्रोग्राम है, जो लिंकर है, लोडर है, टेक्स्ट एडिटर है, एक ही प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड हो जाती है। टुडे प्रोग्रामर यूज़ IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है? इज़ एन एप्लीकेशन पैकेज दैट कंसिस्ट ऑफ एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, डिबगर विद अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहती है जिसमें मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है। ये माउस यूज़ कर सकते हैं आप, कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं इजीली, माउस खास तौर पे यूज़ कर सकते हैं इसमें। GUI मेन्यूज़ हैं, बटन्स हैं, सॉफ्ट बटन्स हैं। तो ये होती है GUI। नेक्स्ट ग्राफिकल्स, ग्राफिक्स होते हैं इसके। नेक्स्ट क्या है, अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को मज़ीद देखते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ब्रिंग्स ऑल द प्रोसेस एंड टूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट इनटू वन प्लेस, ठीक है। वो कहा था स्टैंड अलोन का मीनिंग मैंने अच्छे से समझा दिया, इनटू वन प्लेस ऐप के सारे जितने प्रोग्राम हैं वो एक ही, जितने भी टूल्स हैं वो एक ही जगह पे आपको अवेलेबल होंगे। IDE इज एम टू मेक द लाइफ ऑफ प्रोग्रामर ईजियर, डेफिनेटली से बार बार स्विच नहीं करना पड़ रहा दूसरे टूल्स पे। नेक्स्ट क्या है, मॉडर्न IDE इज क्या, यूज़र फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमने इसमें यूज़ करना है वो भी GUI प्रोवाइड करता है हमें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टेक्स्ट एडिटर। एक एक करके इसको हमने देखना है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को, CE को। टेक्स्ट एडिटर का था कि जिसमें हमने प्रोग्राम लिखना, अपना सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम देख बताया था ना मैंने, सोर्स प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट का जिसमें हमने अपना सोर्स प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। ये कोई भी वर्ड प्रोसेसर हो सकता है, लेकिन हमने एक कंप्लीट IDE को यूज़ करना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को यूज़ करना, विच इज़ ये डेव C++ है। जो भी इंटरनेट से आपको इसका अपडेटेड वर्जन मिलता है आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस साथ साथ कर सकते हैं इस कोर्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ। सो टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि इसके डाउनलोडिंग और यूज़ का मेथड सिखाएं तो वो भी मैं आपको लहदा से एक वीडियो बना के तो बता दूंगा किस तरह से इसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना है और यूज़ कैसे करना। अब टेक्स्ट एडिटर क्या है, टेक्स्ट एडिटर इज़ अ सिंपल वर्ड प्रोसेसर दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। अगर सोर्स कोड उसमें लिखना है, उसमें एडिट करना है, एडिट मीन्स के अगर कोई स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया इसको चेंज करना। फाइल्स क्रिएटेड बाय टेक्स्ट एडिटर आर प्लेन टेक्स्ट फाइल्स, मोस्ट ऑफ द एडिटर्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट कंपाइल एरर्स टू कम सिंप्लीफाई रिमूविंग देम, ठीक है। सिंटैक्स एरर को भी वो फॉलो कर रहा होता है, इतने वो इंटेलिजेंट होते हैं सॉफ्टवेयर में, प्रोग्रामिंग उनकी ऐसी हुई होती है। नेक्स्ट क्या है, कंपाइलर। कंपाइलर तो हमने इतनी डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ा था,
तो इसमें क्या क्या करता है, कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। कंपाइलर इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सी लैंग्वेज प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम सी लैंग्वेज के टर्म्स में पढ़ रहे हैं सिनेरियो में, कि सी लैंग्वेज में पहले क्या हुआ, टेक्स्ट एडिटर में अपना सोर्स प्रोग्राम लिखा, उसके बाद उसे कंपाइल किया इन टू मशीन कोड विच इज़ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दैट कैन बी अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इट आल्सो डिटेक्ट सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर क्या, सेट ऑफ रूल्स, ये भी चीज़ हमने देख ली थी इन द सोर्स प्रोग्राम, एंड गिव्स हिंट्स टू द प्रोग्रामर टू करेक्ट दैम, के सेमी कॉलन मिस है आपके दिस एंड दैट। ये चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस नहीं अभी कर रहा कि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें अभी अभी हमने सिंटैक्स की तरफ गए नहीं है सीख के। अ कंपाइलर विल ओनली क्रिएट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इफ़ ऑल द सिंटैक्स एरर इन अ प्रोग्राम हैव बिन करेक्टेड, इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर उसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है तो वो उसका कंपाइल कर देगा, अदरवाइज के वाले सिंटैक्स एरर रिमूव करें। अ प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज हैज़ द एक्सटेंशन डॉट सी, और जब उसको कंपाइल कर देगा तो बनेगी जो एक्सटेंशन बनेगी डॉट ओ बी जे ऑब्जेक्ट फाइल। जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट डॉट सी के फर्स्ट प्रोग्राम है। सो यहाँ पे वे है लिंकर, लिंकर इज़ अ लिंक, अगर लिंकर का काम है कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमने देख लिया लास्ट में, इसकी में लास्ट स्लाइड में ए भी है एक मेरे पास डायग्राम। तो इसमें क्या कि सोर्स प्रोग्राम कंपाइल हुआ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, और उसके बाद उसने लिंक करनी है जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ठीक है ना, लाइब्रेरी फंक्शंस फाइल्स हैं उनको लिंक करना है। लिंकर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन टू सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है, लिंक करता है कि इसमें एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में जो कि जो एक्सी फाइल होती है हमारे पास, वो दूसरे सिस्टम पे भी हम रन कर सकते हैं विदाउट हैविंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, कि अगर हमने IDE में एक सॉफ्टवेयर बना लिया तो इसको हम जो इसकी एक्सी फाइल है वो दूसरे प्रोग्राम पे कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं USB में कॉपी वगैरह करके। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम विदाउट, एक तो ये ना कि प्रोग्राम के अंदर से हम उसको रन करें, प्रोग्राम को उसकी एक्सी फाइल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इसकी एक्सी फाइल है जो कि रन हो रही है। नेक्स्ट लिंकर बता रहा हूँ मैं, लिंकर इज़ दी सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन टू आ सिंगल एक्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ये एक्सप्लेन कर दिया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इफ़ इट कुड नॉट फाइंड द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो वो क्या करेगा, उसकी जो हेडर फाइल्स हैं उसको सारा लिंक करेगा, यही लिंकर का काम। फंक्शन दैट इज़ यूज इन द प्रोग्राम देन इट वुड अज्यूम दैट इट इज़ डिफाइंड इन सी लाइब्रेरी, जिसकी सी की अपनी लाइब्रेरी है, उसमें सी के जितने भी फंक्शंस हैं वो पड़े होंगे। ये चीज़ें हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे उनमें डिटेल में देखेंगे। इट विल रिप्लेस दिस फंक्शन इन दी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद द कोड फ्रॉम सी, जो लाइब्रेरी है उससे वो प्रोग्राम उठाएगा और इसमें पेस्ट कर देगा जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी फ्रॉम सी लाइब्रेरी, एंड देन क्रिएट अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल। नेक्स्ट क्या, लोडर, लोडर क्या करता है कि मेमोरी में लोड करता है प्रोग्राम को। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट लोड प्रोग्राम इन टू मेमरी एंड देन एक्सिक्यूट दैम। डिबगर क्या होता है कि उसमें जो एरर है वो फाइंड करता है, उनको रिमूव करता है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट एक्सिक्यूट अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, एग्जाम द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल एंड हेल्प इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। तो ये सारे जो प्रोसेस है ये इस डायग्राम से शो है, कि मैं रैपिड सा बता देता हूँ जल्दी से। सोर्स प्रोग्राम था, कंपाइलर ने उसका कर दिया ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, उसके बाद लिंकर जो सॉफ्टवेयर है क्या करता है, लिंक करता है जो हेडर फाइल्स हैं उसके साथ, और एक सिंगल जो एक्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। उसके बाद था हमारे पास लोडर, जिसने मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करना और एग्जीक्यूट करना, और जो था डिबगर, उसने प्रोग्राम में से जो एरर वगैरह वो फाइंड और रिमूव करने हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हमने देखने हैं प्रोग्रामिंग के, जो सी प्रोग्रामिंग है उसके बेसिक, सी लैंग्वेज करेक्टर सेट क्या है, रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, हेडर फाइल्स क्या होते हैं, जहाँ पे मैं जिसको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है, ये जो डायग्राम में सी लाइब्रेरी फंक्शन। तो हमने नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें डिटेल में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, के छोटा सा प्रोग्राम रन करके देखेंगे, हम राइट करेंगे और इस पर रन करके देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में हो सकता है कि मेरी जो स्लाइड्स हैं वो कम हो जाएं और जो प्रैक्टिकल वर्क है वो ज़्यादा हो जाए। स्लाइड्स में जस्ट स्टार्टिंग में एक दो स्लाइड मैं शो किया करूँगा कि ये टॉपिक्स हैं हमारे, उसके बाद जितने भी है वो एक्सप्लेन जो है वो किया करूँगा, उसमें स्लाइड नहीं आपको शो हुआ करेंगी। जस्ट जो इन्वायरमेंट है जिसमें हमने प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर है वो साथ साथ आपको टाइप करके प्रोग्राम दिखाया करूँगा, और साथ में एक्सप्लेन किया करूँगा कि हर स्टेप में क्या क्या हो रहा है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।
Thank you.